आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ऐसी वैकेंसी के बारे में जिसमें अभ्यर्थियों ने बाजी मार ली है अभ्यर्थियों ने सरकार को झुका दिया है फैसला अपने पक्ष में अभ्यर्थियों ने करवा लिया है अभ्यर्थियों के पक्ष में कैसे फैसला आया क्या मामला था सब कुछ वीडियो में डिटेल में जानेंगे साथ ही सभी अभ्यर्थी जो काफ़ी दिन से परेशान थे ढूंढ रहे थे किसी तरह उन्हें मौका मिल जाए उनके लिए एक सुनहरा मौका आ चुका है और जल्दी करें सब कुछ स्पष्ट है वीडियो में सब कुछ डिटेल में देखें कौन सी वैकेंसी है और कौन लोग भर सकते हैं किन लोगों को इसमें छूट मिली है सब कुछ वीडियो में डिटेल में जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएसआई वैकेंसी के बारे में जिसमें ओवर एज हो गए वे सभी अभ्यर्थी जो काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि किसी तरह हमको मौका मिल जाए कोर्ट वगैरह के कोर्ट से उन्हें राहत दे दी गई है फिलहाल 2016 के बाद से अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है जिसमें काफ़ी लोग ओवर एज हो गए हैं जिस वैकेंसी को लोग भर पाते हैं अगर 2016 के बाद वैकेंसी आती 2017, 18, 19 में काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो उसे भर पाते वह ओवर एज हो गए बिना फॉर्म के आए ही तो इसी को देखते हुए अभ्यर्थी कोर्ट गए और कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है जो छूट मिली है उम्र में वह ऐसे मिली है वे सभी अभ्यर्थी जिनकी आयु एक जुलाई दो को 28 वर्ष से अधिक नहीं है वे सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे लेकिन इनका जो परिणाम होगा इनका जो रिजल्ट होगा वह कोर्ट के अकॉर्डिंग ही निकाला जाएगा यानी कि बिना कोर्ट के आदेश के इन लोगों का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा शायद इन लोगों का रिजल्ट रोक दिया जाएगा और कोर्ट का जैसे ही आदेश आएगा तुरंत ही इन लोगों का जो परिणाम है वह जारी कर दिया जाएगा तो फिलहाल यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर दिया है अधिवक्ता थे तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्र एवं सरकारी वकील को सुनकर के ये मामला जो है निस्तारित किया गया है फिलहाल एक बहुत बड़ा मामला था क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा था मैटर काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो ओवर एज हो गए बिना फॉर्म को भरे ही वेट कर रहे थे किसी तरह हमको मौका मिले हम फॉर्म को अप्लाई कर पाए भले ही बाद में हमारा सिलेक्शन ना हो लेकिन मौका ही नहीं मिलेगा तो सिलेक्शन की कोई बात ही नहीं है राज्य सरकार ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि हमारे पास 3000 ऐसे पोस्ट हैं जिससे हम भर्ती प्रक्रिया पूरी कराएंगे लेकिन अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई 2016 के बाद 2016 में जो वैकेंसी निकली थी उसको भी अटका दिया गया और कोर्ट के आदेश द्वारा उसको रद्द कर दिया गया वे सभी अभ्यर्थी दो की वैकेंसी में शामिल थे आज वो घर पर हैं अभी कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे में उनको भी आगे और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है वहीं जो यू की जो वैकेंसी आई थी इसके लिए जो डेट बढ़ाया गया है वह डेट है पंद्रह जून इस डेट के अंदर आप सभी लोग भर दें जितने लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं इस वैकेंसी को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद